तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें कब से वहां से ढूंढ रहा हूँ। एनीवेज कमिंग। कोई है? मुझे बचाओ। कोई है जो मेरी आवाज सुन रहा है? अंकुर बचाओ, 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 अंकुर बचाओ, बचाओ। अजीब है, लेकिन खून कैसे? आई थिंक हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए। सर 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 सर, घना जंगल है। अगर हम लोग सब जंगल में साथ में जाएंगे सर, तो जंगली जानवर डर जाएंगे सर, भाग जाएंगे। तो इसलिए सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पर सर रहूं। धनी मनी, तुम साथ चलो और सुदामा कंकालों की प्रोटेक्शन करेगा। यस सर। कंकाल का प्रोटेक्शन? सर 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 सर, मैं भी आया सर। सर अरे सर मत चाहिए सर, घना जंगल है सर आगे। अरे सर, कुछ तो गड़बड़। ये कौवे, ये हंस क्यों रहे हैं? क्या आवाज है, जैसे चुनौती दे रहे हैं तुम। मैं आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही? नहीं गौरी, मैं तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कहीं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए तो नहीं? बहुत बड़ाई मार रहा था ना, ये धुंधी तो है, बैरियर फिसल गया होगा, लूजर कहीं का। एंड प्लीज आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जैसे यू गया एंड ऑफ कोर्स यू आया। नहीं नहीं, अंदर मत जाओ। अरे मत जाओ, अंदर मत जाओ। अरे अरे देखा, मैंने कहा था ना ये भी गया, कोई कोई नहीं बचेगा, सब सब चले जाएंगे। आप लोग ठीक तो है? क्या हो रहा है? तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है, यहाँ सब कुछ अजीब हो रहा है। अभी अभी दो लोग बाहर निकले, लेकिन जैसे ही बाहर निकले, ओह माय गॉड, धुंध में गायब। सिर्फ उनकी जोर जोर से आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे धुंध ना हो, कोई बहुत बड़ा राक्षस हो। राधे क्या है धड़का, कहीं ये भी हम तक पहुँचने के लिए तुम? युद्ध करो हमसे। पहले ठीक से वार करना तो सीख लो देवी।
निष्ठा से कई ज्यादा बड़ी होती है प्रतिशोध की शक्ति। प्रतिशोध केवल प्रतिक्रिया होती है। और जो दूसरों के कर्मों में अपनी करनी का आधार ढूंढते वो कभी विजय नहीं। बार पलटवार प्रहार संहार शुक्र के आगे सब लाचार। कौन लिख पाए उसकी हार जिसके आत्मा के साथ हिस्सेदार। शुक्र के सप्तभुज में आपका स्वागत है देवी। शुक्र का उसे हराना किसी भी असुर को हराने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। कहाँ है वो? गुरुजी, मैं गुरु शुक्राचार्य का नाश नहीं कर पाई और शायद अब तक नाश भी ना कर पाऊ जब तक उनके सप्तभुज को नष्ट नहीं कर देती। असली तीरंदाज वही होता है जो निशाना चूकने की कला भी जानता हो। अब चाहे जितने भी वार कर लो देवी, युद्ध की कमान तो शुक्र के हाथों में है। जानती हो क्यों? सिर्फ उस एक तीर के कारण। वो सिर्फ एक तीर नहीं था देवी, तुम्हारे लिए रचाए मेरे व्यू की सातवीं परत थी, मेरी आत्मा का सातवां हिस्सा। अब मेरा अंत करने के लिए तुम्हें मेरे आत्मा के बाकी छह हिस्सों के साथ साथ उस सातवें हिस्से को भी नष्ट करना होगा जो अब तुम्हारे अंदर। यही तो है शुक्र का सप्तभुज।